अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर की क्या होने वाली है आपके पास जो कंपनियां हमारे थ्रू जो होती है उसके अंदर 25 से 40 हज़ार के बीच में फ्रेशर की सैलरी रहती है। हाँ, इसके अंदर एक चीज समझना होगा। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आपको जॉब के बारे में बताता हूँ। नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, पूरे पैन इंडिया में मैं आपको जॉब प्रोवाइड करता हूँ। मैं ऑफिसों में जाता हूँ, कंसल्टेंसी में जाता हूँ, कंपनी में जाता हूँ, कॉल सेंटर में जाता हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये कॉरपोरेट ज्ञानी का ऑफिस है, जो कि ये इनके पास तरह तरह के वैकेंसी होती हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। जो हमारे भाई बीए कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं ना, एज ए ग्रेजुएट हैं और उनको एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब चाहिए, वो परेशान है, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वीडियो है ना, आपके काफ़ी काम आने वाली। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाइयों से, प्लीज़ स्किप मत करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मेरे भाई। अगर शुरू से लेकर एंड तक आपने देख लिया तो 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी वाली जॉब आपको मिल सकती है बहुत ही ईजी तरीके से। हमारे साथ सर हैं, हमारे इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सो थैंक यू सो मच इसरार भाई। मेरा नाम तनवीर है एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो का जो पर्पस है, जैसे इसरार भाई ने आपको बताया कि ये पिछले कई सालों से आप सभी स्टूडेंट की, वर्किंग प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग जो है इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो नॉर्मली हर कैंडिडेट की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको देंगे। और पिछले 15 साल से हम जो है इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्लेस करा चुके हैं मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज में। और हमारे थ्रू जो प्लेसमेंट होती है उसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों तरह के कैंडिडेट होते हैं। फ्रेशर की जो सैलरी है वो नॉर्मली 25,000 to 40,000 तक, 25 से 40 हज़ार के बीच में। 25 से 40 की जो है जो फ्रेशर की सैलरी है। जी जी, 25 से 40 के बीच में। हम 8 आवर्स वर्किंग है ना? हाँ, ये 8 to 9 आवर्स है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि हर कंपनी का जो पॉलिसी प्रोसीजर है वो अलग होता है। इसके अंदर नॉर्मली जो 1 आवर जो लंच आवर्स होते हैं, और नॉर्मली होता क्या है कि जो छोटी डोमेस्टिक कंपनी है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है टाइमिंग को लेके, लेकिन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो है थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच रहता है। वहाँ पर काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपका जो काम है वो आप टाइमली परफॉर्म कर दें, तो ये जो 8 घंटे 9 घंटे ये चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी किस टाइप की, किस प्रोफाइल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास इस समय अवेलेबल है? देखिए, हमारे पास जो है 12 महीने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए रहती हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो पिछले 15 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ही कर रहे हैं। मोर देन 200 जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं हमारे पैनल में हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्वालिफिकेशन लेवल पे है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करती। तो मल्टीनेशनल कंपनी है ना? हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एमएनसीज जो है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही रहता है ग्रेजुएशन। तो आपके पास कभी कॉल या मेल आएगा, ठीक है, जो एचआर रिक्रूटर या कंसल्टेंट का, तो सबसे पहली चीज जो है वो यही पूछेंगे कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं। हाँ, ये ग्रेजुएशन जो है आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आप बीकॉम हो सकते हैं, बीबीए हो सकते हैं, बीए हो सकते हैं, बीसीए हो सकते हैं, बीवॉक हो सकते हैं, तो ये किसी भी स्ट्रीम में हो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अगर हम बात करें जो जॉब आपके पास है अपॉर्चुनिटी, किस किस लोकेशन के लिए होने वाला है? ये हमारी मल्टीपल पैन इंडिया लोकेशंस हैं। हाँ, जो पैन इंडिया लोकेशन का मतलब ये है कि एमएनसी कंपनीज जो हैं सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल टाउन्स जैसे छोटे मेरठ, रामपुर में अगर आप बोलेंगे कि यहाँ जॉब चाहिए तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमएनसी है नहीं। तो एमएनसी कंपनी मेट्रो सिटीज़ में है, लाइक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इस तरह की लोकेशंस में आपको मिल जाएंगी। इस तरीके की लोकेशन में जो हमारे भाई इच्छुक हैं, जो हमारे बेचारे भाई ग्रेजुएट हैं, बीबीए कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, लेकिन वो इस समय अभी घर में बैठे हैं और सोचते हैं कि हमें किसी तरीके से जॉब मिल जाए। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई, आपको भी पता है, आप भी इसी लाइन में हो, तो हमारी बस पहल है कि हम किस तरीके से उनकी हेल्प करें। तो आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे, थोड़ा समय बताएं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में या फिर जो फ्रेशर हैं उनके माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में जॉब को लेके प्रॉब्लम है या जॉब बहुत कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मल्टीपल में मार्केट के अंदर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस प्रॉब्लम कहाँ है,
प्रॉब्लम यह है कि आपने भी अपना रिज्यूमे जो है, नॉर्मली अप्रोच क्या रहती है, आपने अपना रिज्यूमे बिल्ड किया और naukri.com, LinkedIn या फिर अदर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया। अब आप वेट कर रहे हैं कि आपके पास कॉल आएगा, मेल आएगा और आपकी जॉब लगेगी, लेकिन आपके पास रेलेवेंट कॉल्स मेल्स नहीं आ रहे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपके रिज्यूमे में जो एक्टिविटीज मेंशन है, जो स्किल सेट मेंशन है, वो MNC की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो MNC की रिक्वायरमेंट है वो आपके रिज्यूमे में मिसिंग है। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से जॉब लगने में या कॉल और मेल आपके पास आने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक कैसे करें सर, उसका क्या उपाय है? उसको ठीक करने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो यही है कि आपको वो रेलेवेंट स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेलेवेंट स्किल सेट डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं अपना अगर बैकग्राउंड बताऊं तो मैं भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, सरकारी स्कूल से जो पढ़ाई हुई वो, और इसके अलावा जो फाइनेंशियली जो है इतना स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन रेलेवेंट स्किल सेट डेवलप करने के बाद जो है आज मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हूँ, एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर भी एसोसिएटेड हूँ। तो ये चीज़ पॉसिबल इसी वजह से हो पाई कि मैंने वो रेलेवेंट स्किल सेट डेवलप करी, और इसी चीज़ को डेवलप करने में हम कैंडिडेट और स्टूडेंट की भी हेल्प करते हैं। और अगर आप, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कैंडिडेट को यही नहीं पता होता कि वो रेलेवेंट स्किल सेट है क्या। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं इसरार भाई को सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा एक जो लिंक है व्हाट्सएप लिंक शेयर कर देंगे, तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है, ठीक है, और हमारा एक फ्री वेबिनार और सेमिनार भी होता है, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए भी, मतलब वो 1.5 घंटे का सेमिनार होता है, और उसे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड सेशन है हमारी एप्लीकेशन में, जिससे आपको पूरा एंड टू एंड रेलेवेंट स्किल सेट पता लग जाएगा। और बहुत ही बेसिक टर्म में अगर मैं बात करूं तो हम आपको वो सारी चीजें बता देंगे जिसके बेसिस पे आपका रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर, कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते तो हैं कि 20 से 25 हज़ार, 25 से 30 हज़ार उनकी सैलरी हो महीने की इनकम, लेकिन वो इंटरव्यू देने से डरते हैं। या तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, या तो इंग्लिश टूटी फूटी है, या तो वो उनके अंदर थोड़ा सा हिचक है, तो उसको दूर कैसे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। इंटरव्यू क्लियर करना बिल्कुल सही है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन भी होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी इंग्लिश होने की नीड है, ठीक है, तभी इंटरव्यू क्लियर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, ठीक है, और मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्लेस करा दिए हैं। वो सारे जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंग्लिश में एक्सपर्ट थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल अप्रोच जो है वो आपको फॉलो करनी है कि आप जो इंग्लिश है वो रातों रात नहीं सीख सकते। मैं सच बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप जो है 2-4 दिन, 10 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे। दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश सीखना, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से या फिर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से भी पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश आप तब सीख सकते हैं या फिर उस लेवल पे कमांड आपकी तब आएगी जब आपको वैसा माहौल मिलेगा, ठीक है। जब तक आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहां पर इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तब तक जो है आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अब यहां पर जो है आपके माइंड में आएगा कि सर हम तो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर छोटी डोमेस्टिक कंपनी में कर रहे हैं काम, वहां तो वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा, नहीं है। तो आप, इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर एंट्री लेना, क्योंकि अंदर जब तक आप एंट्री नहीं लोगे MNC में, तब तक वैसा माहौल नहीं मिलेगा। अब एंट्री लेने के लिए जो मेरी अप्रोच है या फिर जो हम गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए जितनी इंग्लिश की नीड है, अगर आप उतना पार्ट प्रिपेयर कर लें तो आप इंटरव्यू क्लियर भी कर पाएंगे और सेलेक्ट हो पाएंगे। और फ्यूचर में जब आप अंदर चले जाएंगे किसी कंपनी के अंदर, धीरे धीरे सिचुएशन, सिनेरियो, एनवायरमेंट के बेसिस पे आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इंग्लिश पे कमांड आपकी बन जाएगी। तो अभी सर कितनी कंपनियां आपके पास में, अगर बात करें तो? हमारे पास जो है मोर देन 200 MNCs हैं जो एम्पैनल, टोटल MNC कंपनियां, सारी MNCs हैं। आप यहां देख भी रहे होंगे, कुछ हमने वॉल पे, जैसे एक्सेल है, वॉलमार्ट है आपका, अमेरिकन एक्सप्रेस है, टेक महिंद्रा है आपका, एक्सेंचर है आपका, और WNC है, सेपियंट है, BT है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये बताओ इतनी सारी कंपनियां यहाँ पे, सैमसंग भी है आपकी, है ना? हाँ जी, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सारी। तो इन सब कंपनियों से आपका टाई अप है? हाँ, सबके साथ। फिलिप्स भी है आपके पास? हाँ, सारी कंपनीज हैं और सबके साथ टाई अप्स है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं मल्टीपल कंपनीज हैं हमारे पैनल में, और हमारे थ्रू जो प्लेसमेंट होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी में ही होती है, डोमेस्टिक कंपनी में नहीं होती। इवन हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं वो डोमेस्टिक से मूव होके MNC में जाना चाहते हैं, तो हम उन्हें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और उसको कैसे, और ये इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं है।
अगर आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, राइट पाथ मिल जाए, आपको ये चीज़ पता लग जाए कि मुझे ये प्रिपेयर करना है, ऐसे मेरा रिज्यूमे बिल्ड होना चाहिए, इस तरह के इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा और इसके ये स्टैंडर्ड आंसर हैं, तो फिर आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल राइट सर ने बिल्कुल सही चीज़ बताई सर, इस चीज़ को आप फॉलो करिए। सबसे पहले तो ये चीज़ों को पे फोकस करो आप कि आखिर इंटरव्यू जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, इंटरव्यू में उनके क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को आप एकदम रट्टा मार लो कि समझो। देखो रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रट्टे से ज्यादा जो है जब हम गाइड करते हैं स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, ठीक है, तो हम जो है लॉजिक के साथ गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना और उसके आंसर को प्रिपेयर करना सोल्यूशन नहीं है। आपको कोई कंपनी हायर करेगी, खासकर मल्टीनेशनल कंपनी, तो अंदर जाके आपको वहां पर काम भी करना है। वो सैलरी जो आपको दे रहे हैं 25,000, 30,000, 35,000, उसे जस्टिफाई भी करना है। तो जब तक आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, तब तक कोई भी कंपनी जो है आप अंदर जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम जो काम करते हैं, हम जिस तरह से फॉलो करते हैं अप्रोच, वो ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी लगवा दी और छुट्टी। हमारा अप्रोच ये है कि नौकरी लगने के बाद आप अंदर अच्छे से काम कर पाए, परफॉर्म कर पाए। इवन इसरार भाई को मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि हमारा कल ही एक मैसेज आया, हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है कि उसे एप्रिसिएशन मिला है। मतलब वो फ्रेशर था बिल्कुल, उसे क्या कहते हैं कुछ काम की नॉलेज नहीं थी, लेकिन काम करने के 6 महीने 8 महीने बाद ही उसने मुझे मैसेज किया कल कि क्लाइंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से एप्रिसिएशन मेल आई है कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबल हो पाती है जब आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। चीज समझ में आएगी आपको, हाँ बिल्कुल, तभी आप जो है आगे सर्वाइव कर सकते हो। अच्छा प्रोसेस क्या होने वाला है अगर हम बात करें मोटी मोटा कि अगर हम फ्रेशर है कैंडिडेट, उन्होंने बीए कर रखा है, ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएट है, फुल ग्रेजुएट है, अगर वो आते हैं आपके पास, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस कंपनियों के लिए आप उनको रेफर करें? देखिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है या कैंडिडेट आता है और वो बताता है कि सर मेरी ग्रेजुएशन में एक एग्जाम में री है, अभी रीअपियर हूँ, मेरा एक एग्जाम क्लियर नहीं है, तो हम उसे जो है होल्ड कर देते हैं, उसे बोलते हैं कि नहीं आप अभी एलिजिबल नहीं हो, अभी आपको वो री अपीयर वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे आगे प्रोसीड करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आपके पास सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब चीजें होनी चाहिए। इवनली मोस्टली ये सब तो सभी के पास होता, हाँ होता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ना, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जिनके पास जो है जैसे पैन कार्ड है, ठीक है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पैन कार्ड ही नहीं बनवाया होता, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी आती है, या फिर बैंक अकाउंट ही नहीं होता, या फिर उनके पास ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं होती, तो ये सारी चीजें भी फ्यूचर में रिक्वायर्ड होती हैं। और हम जो है ये सब चीजें चेक करके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके, फिर हम उसे सजेस्ट करते हैं एक फ्री डेमो सेशन के लिए। फ्री डेमो सेशन क्या होता है, फ्री डेमो सेशन के अंदर कैंडिडेट जो है समझता है कि वो अभी कहां स्टैंड कर रहा है, अभी उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स है, कितनी नॉलेज है, ठीक है, पहले तो वो समझता है, फिर डिजायर्ड नॉलेज और स्किल्स का डिस्कशन होता है कि फ्यूचर में किस तरह की नॉलेज चाहिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो ये जो डिस्कशन होता है, ये डेमो क्लास के थ्रू उन्हें क्लैरिटी मिलती है, और डेमो क्लास अटेंड करने के बाद जो है वो क्लैरिटी आने के बाद फिर वो डिसीजन ले पाता है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हम जो है अब अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल सेट है तो आपका रिज्यूमे बिल्ड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, अगर स्किल सेट नहीं है तो स्किल सेट डेवलप करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो वो गाइडेंस जब वो स्किल सेट डेवलप कर लेगा, उसके बाद हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो हम डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू नहीं कराते, डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू करने से पहले मैं भी एक बार मॉक इंटरव्यू लेता हूं, ठीक है, कि मेरा जो कैंडिडेट है वो कैपेबल है कि नहीं है फाइनल इंटरव्यू फेस करने के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में कि अगर आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो फिर 6 महीने 8 महीने के लिए आप दोबारा रीअपेयर नहीं कर सकते, कम से कम 6 महीने चाहिए। हाँ। तो ये जो चीज़ है, तो ये सिचुएशन ना आए, हमारा स्टूडेंट कैंडिडेट जो है इनिशियली सेलेक्ट हो जाए जल्दी, इस वजह से जो है हम पहले मॉक लेते हैं और मॉक क्लियर करने के बाद फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उनका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा है ना, एक्सपीरियंस भी है, अगर वो कैंडिडेट अगर आपसे संपर्क करते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये फ्यूचर में वैल्यू ऐड करेगा और आपके लिए आसानी होगी इंटरव्यू को क्रैक करना। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंस के अंदर ना ये चीज़ चेक की जाती है कि आपको एक्सपीरियंस किस फील्ड का है,
ठीक है, आपको एक्सपीरियंस सेल्स का है, मार्केटिंग का है, बैकएंड का है, ऑपरेशंस का है, फाइनेंस का है, किसका एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हमारे पास आता है और उसका जो एक्सपीरियंस है किसी डिफरेंट फील्ड का है, किसी डिफरेंट इररेलेवेंट डोमेन का है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे जो है रेलेवेंट स्किल सेट का एक्सपोजर देते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और उसका प्रीवियस जो स्किल सेट है उसे चेंज करके रेलेवेंट स्किल सेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे होगा क्या, अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही होती या फिर उनके पास कॉल मेल नहीं आती मल्टीनेशनल कंपनी से, तो एक्सपीरियंस होना सोल्यूशन नहीं है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना सोल्यूशन है। अगर आपके पास वो वाला एक्सपीरियंस है जिसकी नीड एमएनसी में है तभी आपके पास कॉल और मेल आएगा, तो हम उसी के ऊपर काम करते हैं, ये चीज है। तो अभी आपके पास जो कंपनियां हैं वो पैन इंडिया में ही है? हाँ, ये पैन इंडिया है, ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस हैं और आपको मैं बता दूं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, बैंगलोर, पुणे और बैंगलोर लोकेशंस में भी हमारी काफ़ी मल्टीपल प्लेसमेंट्स होती हैं, तो आप किसी भी लोकेशन से हो, ठीक है, आपके पास, आप किसी भी फील्ड में हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, दैट इज इररेलेवेंट, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी तो आपकी ईजिली जॉब लग जाएगी, ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। ये तो बात होगी ग्रेजुएशन वालों का, अच्छा अगर 10th 12th वालों का भी कुछ है? 10th 12th बाकी जो ITI या डिप्लोमा बीटेक कर रखे, एमटेक कर रखे? नहीं, देखिए जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए मैं आपको बता दूं, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ग्रेजुएट्स को ही हायर करती हैं, ठीक है, तो अभी हमारा फोकस और अटेंशन जो है सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी में है। हाँ, जो लोग अंडर ग्रेजुएट्स हैं मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा, एक गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप भी कितने पोस्ट जो हैं अंडर ग्रेजुएट्स लेवल के शेयर करते हैं अपने YouTube वीडियोस में, ठीक है, उनको गाइडेंस ये देना चाहूंगा कि देखिए आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किसी छोटी डोमेस्टिक कंपनी में जॉब शुरू में तो आप कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है, शुरू में पैसे की नीड होगी, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन लेकिन एक चीज को समझना, लेकिन उसमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, ग्रोथ के लिए आपको बड़ी कंपनी में जाना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जाना पड़ेगा और वहां पर क्या है, वहां पर ग्रेजुएशन चाहिए। तो जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, जो लोग 10th 12th के बाद जो है अपनी स्टडीज आपने क्विट कर दी हैं या फिर होल्ड कर दी हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि प्लीज आप जो है अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखें, ठीक है, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस करें आप, ओपन से करें, ऐसा नहीं है कि ओपन की वैल्यू कम है या रेगुलर की ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जो है इग्नू से कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, 2-4-5-10 हज़ार रुपये में आपकी ग्रेजुएशन जो है हो जाएगी, तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें, क्योंकि बाद में जो है हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो चाहते हैं MNC कंपनी ज्वाइन करना लेकिन ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं की होती और टाइम ज़्यादा निकल गया होता है, तो फिर वो चाह के भी उसे ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनकी सैलरी जो है बड़ा लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि MNC कंपनी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है, उसके अंदर सैलरी आपकी 1 लाख रुपए महीना भी होगी, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना भी पहुंच जाएगी, डिपेंड कि आप कितने हार्ड वर्किंग है और कितने एफर्ट्स आप कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर की क्या होने वाली है आपके पास जो कंपनी है? हमारे थ्रू जो होती है उसके अंदर 25 से 40 हज़ार के बीच में फ्रेशर की सैलरी रहती है। हाँ, इसके अंदर एक चीज समझना होगा, 25 से 40 बोल रहा हूँ, इसके अंदर डिपेंडिंग जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू, ये डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू कितना इंप्रेसिव है, आपके मैनेजर जो हैं या फिर HR वो कितना सेटिस्फाइड है आपके इंटरव्यू से, दूसरा जो है आपका जो कंपनी जो आपको हायर करने वाली है उसका बजट कितना है, ठीक है, तो कई बार कंपनीज का बजट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा सैलरी भी दे देती है और कंपनी आपने इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया है उससे भी इंप्रेस हो जाती है, तो ये नंबर वैरी करता है, कुछ हमारे कैंडिडेट हैं जिन्हें हम 26,000 दिला देते हैं, 28,000 दिला देते हैं फ्रेशर लेवल पे, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमने 35-40 तक भी दिलाया है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कंपनी के बजट पर और आपके इंटरव्यू पर। अच्छा, मतलब ये है कि 25 प्लस ही रहेगी? हाँ, हमारे पास जितने भी होते हैं 25 प्लस ही जाता है, इवन आप मेरा इंस्टाग्राम जो है कॉर्पोरेट ज्ञानी के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेसमेंट्स दिखेंगी, ठीक है, और वहाँ पे भी जाके आप देखेंगे तो जितनी भी प्लेसमेंट है बहुत ही रेयर कोई होगा जिसकी 25 से बिलो होगा। हाँ, 35 है, 45 है, 50, एक किसी किसी का तो 85 दिखा। हाँ, तो यहाँ पे जो है जितनी भी प्लेसमेंट है, इवन हम सारी प्लेसमेंट पोस्ट कर देते हैं, अभी काफ़ी प्लेसमेंट पेंडिंग भी हैं, अगर आप जो देख रहे हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, ठीक है, इसमें अभी हंड्रेड्स ऑफ प्लेसमेंट जो है अभी पेंडिंग फॉर पोस्टिंग है, अभी पोस्ट हुए नहीं है, पोस्ट किया नहीं है ना। हाँ, वो अभी रहती हैं, इतने सिलेक्शंस हम डेली बेसिस पे सिलेक्शंस हैं, ठीक है, तो जॉब को लेके कोई भी प्रॉब्लम या इनसिक्योरिटी आप माइंड में मत रखना। हाँ, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे इसरार भाई, बाकी बिल्कुल
बाकी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एसएपी ट्रेनर के नाम से हमारा प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम पे कॉर्पोरेट ज्ञानी के नाम से, कॉर्पोरेट अंडरस्कोर ज्ञानी आप लिखेंगे मेरा प्रोफाइल है। तो तन्वीर भाई से आप संपर्क कर लेना, इनसे बातचीत करके बड़ी खुशी मिली हमें कि आज की अपॉर्चुनिटी में उन भाइयों को रोजगार मिल पाएगा जिन भाइयों को रोजगार की नीड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई इसरार को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।